बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद फयाज नामी एक अंडर मैट्रिक नौजवान जो कि आरफ वाला डिस्ट्रिक्ट पाक पतन का रिहायशी है, 1 अप्रैल को खुद का बनाया हुआ छोटा तैयारा उड़ाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, हमारे मुल्क में यही बदकिस्मती है, यहाँ पर टैलेंट पनपने नहीं दिया जाता बल्कि उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाता है। पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों में हर शोबे में एक तंजीम काम करती है, यानी हर शोबा एक माफिया के हाथ में है और उस माफिया का उस शोबे पर मुकम्मल कंट्रोल है। चाहे आईटी इंडस्ट्री हो या फिर गाड़ियां बनाने की कोई फील्ड हो, वो माफिया नहीं चाहता कि हमारे अलावा कोई और सर उठाए और उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाए। आपको याद होगा, पाकिस्तान में एक शख्स ने पानी से चलने वाली कार बनाई थी और फिर माफिया के हाथों वो शख्स यरगमाल बना, उसे अगवा किया गया और उस पर मुकदमात बनाए गए और उसे हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। आरिफ वाला का रिहायशी मोहम्मद फयाज का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है और उसने अपनी सारी जमा पूंजी जहाज बनाने में लगा दी, यहाँ तक कि बैंक से 50,000 कर्जा भी लिया और उस अंडर मैट्रिक गरीब नौजवान के शौक ने बड़े बड़े इंजीनियर्स को मात दे दी। इस टैलेंटेड नौजवान के पीछे माफिया पड़ चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि इस शख्स की जहानत और टैलेंट की वजह से तैयारे बनाने की इंडस्ट्री में कोई बड़ी पेशरफ्त या कोई बड़ी तब्दीली आ जाए और यही चीज़ वो माफिया नहीं चाहती कि उनका बिजनेस ठप हो जाए। और उसी माफिया की वजह से फयाज को पुलिस ने पकड़ा था और उसका जहाज भी इस वक्त पुलिस के पास है, जबकि फयाज आर्मी चीफ से अपील भी कर चुका है कि उसका जहाज वापस किया जाए। पुलिस की तरफ से ये ऐलान सामने आ चुका है कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जहाज वापस कर दिया जाएगा, मगर पुलिस ऐसा करती है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस हवाले से मोहम्मद फयाज की जान को उस माफिया से खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को आगे बढ़कर इस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाना होगा और मोहम्मद फयाज के इस टैलेंट को मुल्क-ओ-कौम की खिदमत के लिए अच्छी सिम्मत देना होगी।